तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अंधे कहा था तुम उपगंगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है बेटा, किसकी याद करने की ट्रिक बताई है, भारत की। तो बेटा आंध्र प्रदेश फिर बेटा हो जाएगा यहां पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, गोवा, ठीक है। तो ध्यान देंगे बेटा, तो कुछ दिक्कतें हो रही है बेटा जी। हाँ बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों की तो है सही से क्लास नहीं हो पा रही है बेटा। तो इसी बात को ध्यान देना, अभी देखना है बेटा, सबसे पहले ध्यान देना है कि भारत के, अब बंदरगाहों की मैं बात कर लेता हूँ। तो बंदरगाह, तो ये बेटा जो होता है ये पूर्वी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। और ये बेटा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है बेटा। तो ये बेटा कौन सा? पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये देखिए, आप लोगों को ये चीज पता हो गई बेटा। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे बेटा, तो यहां पर मैंने बताया था, ये ट्रिक मैंने बता दी बेटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ट्रिक आप लोगों को लर्न करनी है, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कौन सी आपको याद रखना है? टोटल डिस्टेंस बताओ क्या। अभी देखिए, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको ही बंदरगाह कहते हैं। तो बेटा मैंने कल बंदरगाहों की संख्या कितनी बताई थी? तो टोटल बंदरगाह मैंने बताए थे, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है बेटा, बड़े बंदरगाह है, बंदरगाह है। और 200 जो है वो छोटे और मझले बंदरगाह है, छोटे और मझले बंदरगाह है, मझले बंदरगाह है बेटा। तो कितने हैं बेटा? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे और छोटे और मझले बंदरगाह हैं। तो अब हम सबसे पहले आप लोगों को बंदरगाह पश्चिमी घाट तट पर और पूर्वी तट घाट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों के विषय में बताने जा रहे हैं। तो बेटा पश्चिमी घाट पर जो प्रमुख रूप से बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना है। तो पश्चिमी घाट पर कौन से हैं बेटा, तो याद रखना है कि कौन कौन से। तो बेटा हो जाएगा कान्हा मामा मंगनी को, कहां है बेटा? को मुंबई गए। तो ये बंदरगाह याद हो जाएंगे आपको बेटा, सारे के सारे बंदरगाह आपको याद हो जाएंगे। तो बेटा आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट, ठीक है। अभी देखिए, पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है बेटा, पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है और पूर्वी घाट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है। तो बेटा पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो पश्चिमी घाट पर याद करेंगे कितने बंदरगाह हैं, तो कितने बंदरगाह हैं उनके विषय में बताएंगे। 6 हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, कितने हैं बेटा? 6 हैं। देखिए इनको तोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको तोड़ते हैं और इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं और इसको तोड़ते हैं, कितने हैं बेटा? तो पश्चिमी घाट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं? देखिए एक से हो जाएगा बेटा, कांदला बंदरगाह। हाँ अरे सर, बार बार चला जा रहा था, तो 2 मिनट भी आ रहा था चला जा रहा, बच्चे बाहर थे बहुत, 22 बच्चे हो गए। फिर 3 बार मैंने सब्सक्राइब करके फिर किया, फिर हुआ। ये तीसरी क्लास है हमारी सर, को टच तोड़ तोड़ के। तो क्या गया करे सर, यही तो दिक्कत है। अभी से रहेंगे क्या? हाँ इसी पे आ जाएंगे। उसके बाद बेटा कांदला बंदरगाह हो जाएगा, फिर बेटा हो जाएगा नावा सेवा बंदरगाह बेटा हो जाएगा बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद बेटा हो जाएगा मार्मा
ठीक है, यहां पर बेटा ये इसको हो जाएगा बेटा यहां पर मार्न गोवा, मार्न गोवा बंदरगाह बेटा। अब ये है कहां कहां पर है वो भी याद रखनी है बेटा, ये है कहां कहां पर। तो बेटा कांदला बंदरगाह कहां पर होता है, कांदला बंदरगाह कहां है बेटा, कांदला बंदरगाह किस राज्य में है बेटा, कांदला बंदरगाह भारत के किस राज्य में, जहां रात में कांदला काट दिया जाता है ना, याद करने की ट्रिक बोल रहा हूं मैं, बता रहा हूं देखो ध्यान दे, कांदला कत्ल होते हैं कहां, रात में गुजरात में है ना, तो कौन सा हो जाएगा गुजरात में। तो याद करने की ट्रिक मालूम हो गई आपको, ठीक है, बिल्कुल पता होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना। तो कांदला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है बेटा, तो किस राज्य में हो जाएगा, और नावा तुवा बंदरगाह इसको पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये बेटा कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र में स्थित है, कहां पर स्थित है बेटा, महाराष्ट्र में है बेटा। मार्न गोवा जो है बेटा कहां है, गोवा राज्य में स्थित है बंदरगाह है। फिर बेटा मंगनी, तो बेटा मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बोलते हैं इसको, न्यू मैंगलोर, ठीक है, न्यू मैंगलोर बोलते हैं, न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। ये कहां पर बेटा है, कर्नाटक में है। कोचीन बंदरगाह बेटा कहां है बेटा, ये कोचीन वही क्षेत्र है जहां पर वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा कहां पर पहुंचा था बेटा, इसी कोचीन बंदरगाह पर पहुंचा था, याद होगा उस समय इसको कोझिकोड कहा जाता, कालीकट नामक के स्थान पर पहुंचा था, याद है, ठीक है, पहुंचा था ना बेटा बंदरगाह पर। तो इसलिए कोचीन कहां पर बेटा, केरल में है, ठीक है, और फिर कहां हो जाएगा, मुंबई, मुंबई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब पूर्वी ईस्टर्न घाट पर कौन कौन से बंदरगाह है बेटा, तो ईस्टर्न घाट पे कौन कौन से हैं, तो ए विशाखा, ए विशाखा टू, ए विशाखा टू पारा चेन्नई से, और हल्दी कहां से, कोलकाता से, कोलकाता सेला, ये हो जाएगा, सेला को इग्नोर कर देना है। तो बेटा हो जाएगा एनोर बंदरगाह, कौन सा बेटा, एनोर बंदरगाह, ये है कहां पर बेटा, तो ये तमिलनाडु में है, कहां पर है बेटा, तमिलनाडु में है, कहां हो जाएगा, तमिलनाडु में है बेटा। फिर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम कहां बेटा, आंध्र प्रदेश में है, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। फिर बेटा है तूती कोनिया, ये भी बेटा कहां है बेटा, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है। फिर बेटा है पारादीप, पारा द्वीप जो है वो किस राज्य में है बेटा, ये है बेटा उड़ीसा में है, कहां पर है बेटा, उड़ीसा में है। और फिर बेटा चेन्नई जो है, ठीक है, चेन्नई जो बंदरगाह है ये बेटा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है। और बेटा हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह जो है वो कहां पर है बेटा, कोलकाता में है, कहां पर है बेटा, कोलकाता में है। फिर बेटा उसके बाद जो है, फिर कहां पर है बेटा, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता, तो ये कहां पर है बेटा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये चीजें पता हो गई बेटा। तो ये आपको याद हो गए, बंदरगाहों को याद करने की ट्रिक मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है, इसके आगे आप जो है अब आगे बात करेंगे, तब उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, प्रमुख रूप से जो वेस्टर्न घाट पर स्थित बंदरगाह है, ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर जो बंदरगाह है उनको मैंने याद करना आपको सिखाया है। तो बेटा कल आगे इसके आगे बताएंगे बेटा, अब आपके अनिल सर की क्लास होने जा रही है इस समय, ठीक है, इसके बाद जो है आपके सुधीर सर की क्लास होगी कंटिन्यू,
ठीक है, तो कोई जाएगा नहीं, अभी सभी लोग लाइव रहेंगे इसी चैनल पे, सर अभी पढ़ाने आ रहे हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अखिलेश, नैन्सी पाल, गुड मॉर्निंग देव सिखाया तो, गुड मॉर्निंग मुस्कान। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों को मैंने आज 60 आंसर भेज दिया है। अपूर्व, आदम, गुड, बहुत अच्छे, बस मार्कर तो दीजिए सर। लो अब हम जा रहे हैं, अभी हम। गुड मॉर्निंग अभिता कुमारी, बहुत अच्छे। हाँ, सबको क्वेश्चन मिल गए होंगे, मैंने ग्रुप पे अभी भी डाला है। ओके, गुड मॉर्निंग। यस सर, मिल गए, ठीक है। तो आज आप लोग ये कर लीजिए, कल आप लोग का क्या इरादा है, ग्रामर करने का कि शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन? जल्दी से बताओ कल क्या करा है, शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन, इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, या फिर ग्रामर? लिख के बताइए, इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस कराएं या फिर ग्रामर कराएं? ग्रामर, एक बच्चे ने बोला ग्रामर। ग्रामर, चलिए ग्रामर की ज्यादा डिमांड है, कल हम लोग ग्रामर करेंगे, ठीक है। और बेटा ग्रामर बहुत अच्छी चीज है, आप लोग उसी को करिए। वन नहीं टू, व्हाट इज दिस? चलिए समझ गए, बहुत अच्छे, आप सब ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शॉर्ट आंसर हो गए हैं, शॉर्ट आंसर हो गए हैं, आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो मैं नहीं भेज रहा हूं, ठीक है। देखिए लेसन नंबर टू, अ लेटर टू गॉड, आज आपको एकदम क्लास की फीलिंग आने वाली है, आप सभी बताओगे, कमेंट करके बताओगे। देखिए एक क्वेश्चन आता है, लिस्ट ए लिस्ट बी, ये आपके एग्जाम में होता ही होता है। अच्छा दीप सिखा, एक नहीं हम दो बच्चे हैं, थैंक यू, चलिए बहुत अच्छा है, यानी कि 16 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। आप सबके पास बुक है तो निकाल लीजिए, वरना सबको आंसर बताना है। ओके, हार्वेस्ट, मेलबॉक्स, कोई किसी का कमेंट देख के आंसर नहीं करेगा, खुद से बताएगा। दिख रहा है मिस्टेक, डिनाइड, मेनी एरर, रिड्यूस्ड, लेटर बॉक्स। लिस्ट ए एंड बी शुरू हो जाइए, टेक योर टाइम, 1 मिनट। ओके चलिए देखिए, और फिर आप सभी लोग बताइए हार्वेस्ट का क्या होगा, हार्वेस्ट का इसमें से क्या होगा, जल्दी। जल्दी देखते हैं कौन पहले बताएगा, हार्वेस्ट का क्रॉप, मुस्कान, बहुत अच्छे, मुस्कान, मुस्कान ने बता दिया क्रॉप, अब ये मुस्कान का आंसर माना जाएगा। देखो मुस्कान ने बता दिया,
बहुत अच्छे मुस्कान अनु अपूर्व रावत क्रॉप बेटा पीछे हो गए हर्ष यादव क्रॉप 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 अच्छा नेक्स्ट जब मैं पूछूं तब मिस्टेक जल्दी बताइए मिस्टेक मिस्टेक का क्या होगा जल्दी मिस्टेक एरर दीपिका कल दीपिका जीत गई मिस्टेक का एरर बहुत अच्छे मुस्कान इस बार आप लेट हो गए बहुत अच्छे चलिए अच्छा लग रहा है कि आप सभी एकदम रेडी हो बहुत अच्छे अभी मैं पूछ पाएगा डिनाइड 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 क्या हुआ नहीं आ रहा है रिफ्यूज मुस्कान मुस्कान भाई बाजी मार रही है मुस्कान बाजी मार ले रही है शिवम कुमार रिफ्यूज शालिनी रिफ्यूज चलिए बहुत अच्छा लेकिन 18 लोगों आंसर चार ही पांच आ रहे हैं हैं चलिए अगला हम लेते हैं कॉन्फिडेंस जल्दी कॉन्फिडेंस हर्ष यादव बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस हाँ बहुत अच्छे काजल कुमारी रिफ्यूज कॉन्फिडेंस का बताइए कॉन्फिडेंस फेथ दीपिका बहुत अच्छे अपूर्व राव इनर इनर कहाँ पे हैं एरर अच्छा आपने एरर बताया होगा अच्छा बुक की बात नहीं है मैंने जो लिखा उसको बताइए मुस्कान फेथ बहुत अच्छे मुस्कान नरेंद्र यादव फेथ गुड नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं मेल बॉक्स मेल बॉक्स नहीं सॉरी सर कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं आप लोग लगे हुए हो बहुत अच्छा लग रहा है लेटर बॉक्स काजल कुमारी इस बार बता लेंगे तो नहीं दीप सिखाई पहले बताई सॉरी काजल कुमारी सेकंड नंबर मुस्कान नागरी मुस्कान लेटर बॉक्स चलिए गुड तो एक ही बचा हमारे पास कहां गया सेवरल मैनी आई हैव एन ऑफर फॉर यू कुछ दिन के बाद मैं टेस्ट लूंगा कुछ दिन के बाद मैं टेस्ट लूंगा आपका क्वेश्चन आंसर जो बच्चा जीतेगा जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा ठीक है ना सुनिएगा उसको मेरी तरफ से ये मिलेगा उसे मेरी तरफ से क्योंकि मेरे पास प्रकाशन वालों ने मुझे दिया है तो मैं क्या करूंगा एक बच्चे की इंग्लिश की जरूर मिल जाएगी एक बच्चे को इंग्लिश का वो टेस्ट में बताऊंगा एक बच्चे को ये खरीदना नहीं पड़ेगा ठीक है ना एक बच्चे को तो ये एटलीस्ट नहीं खरीदना पड़ेगा और आप लोग रेडी रहिएगा मैं टेस्ट लूंगा आज कौन सा दिन है आज है बृहस्पतिवार सैटरडे बोले सैटरडे सैटरडे को टेस्ट लेंगे थर्सडे है हाँ सैटरडे को टेस्ट लेते हैं ओके और ऐसा नहीं है मेरे पास जाते हो ये जो बुक है इंग्लिश की मेरे पास सबकी है हिंदी भी है हिंदी भी है साइंस की भी है सबकी है तो मैं इंग्लिश की दूंगा और जब मैं फिर से लूंगा टेस्ट तो मैं हिंदी की किसी को दे दूंगा ठीक है ना ताकि मेरे पास पांच छह है तो कम से कम पांच छह बच्चों का भला हो जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतनी बुक्स हैं मैं हिंदी की क्या करूंगा और सामाजिक विज्ञान की क्या करूंगा हर बच्चे को दे दूंगा तो टेस्ट आपको देना होगा वहां बेटा मंडे से ही रहेगा मैं भी थोड़ा सा प्रेयर कर दूंगा दूसरा वाला आपको दे रहे हैं आप बताइएगा अब्दुल वाला थोड़ा सा टफ है बने रहिए मंडे को ओके मंडे
अब फिर मुश्किल है, फिर देखते हैं कौन बताता है। ओके मिलाओ बेटा, जल्दी से मिलाओ, देखिए कौन मिलाता है। एक रुपया इनाम मिलेगा, एक रुपया इनाम भी दिया जाएगा जो कोई बताएगा इसको। ओके, एक रुपये भी नहीं देंगे हम लोग। जल्दी से बताओ, मंडे को क्या हुआ? मंडे को सर वीडियो नहीं चल रहा है बेटा। चल तो रहा है, रुक रहा है वीडियो बेटा। पिछली बार सर जल्दी जल्दी बताया था, इस बार देखते हैं। इस बार मीनिंग टफ है, कौन बताएगा? पहला ही वर्ड लेते हैं प्रेडिक्टेड। चलिए प्रेडिक्टेड का इसमें से बताइए, इस बार देखते हैं क्या है, पढ़ने क्या अगर प्रॉब्लम है। प्रेडिक्टेड डाउनपोर, सर क्लियर नहीं आ रहा है, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, हो सकता है बेटा नेट प्रॉब्लम हो। अभी दिख रहा है? दिख नहीं रहा है। दीपशिखा 412 बहुत अच्छे, देखो दीपशिखा ने बता दिया। मुस्कान 412 बहुत अच्छे, नरेंद्र यादव मुझे लगा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत अच्छे 412 काट गया, ये हो गया, इसको हमने काट दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो आप लोग भाई, मान गए, गुड। नेक्स्ट डाउनपोर बताइए, डाउनपोर कमान फास्ट, डाउनपोर। ये कॉपी पे लिखना भी है, कॉपी पे लिख भी लीजिएगा, डाउनपोर डाउनपोर। हैवी रेन, नरेंद्र यादव, गुड। बहुत अच्छे, स्ट्राइकिंग जेंटली नहीं बेटा, हैवी रेन का मतलब होता है बारिश तेज। सर साइड हो जाइए, ओके, हैवी रेन, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट, चलिए पंच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंच? पंच पंच ग्रुप, ग्रुप शालिनी यादव मुस्कान लिए अफुका हो गया। अच्छा एनिएबल, एनिएबल डोंट चीट, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सबको ऐसे बताना है। आप लोग ये बुक, यही बुक है ना सबके पास? दीप फ्रेंडली बहुत अच्छे, दीप जी का फ्रेंडली, फ्रेंडली फ्रेंडली कहाँ गया? ये गुड गुड गुड। चलिए कोई नहीं, बोर्ड के एग्जाम में तो सब ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। ये वाली बुक है मेरे पास। अगला कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट
सेटिस्फेक्शन नरेंद्र यादव उसका बाजी मार रहा है, मुस्कान पीछे हो गई, मुस्कान वेयर आर यू, आकाश यादव, सनी राजपूत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अनूप पाल आप लोग पीछे हो गए, नरेंद्र यादव सबसे आगे हो गया। आई थिंक मुझे नरेंद्र यादव का फेस नहीं याद है, आप अपनी मेरे ग्रुप पे अपनी पिक डालना, मुझे शायद आपका फेस नहीं याद है, शायद मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ। मैं देखना चाहता हूँ नरेंद्र यादव कौन है। जर्मन खान सेटिस्फेक्शन मुस्कान, अच्छा वो निकिता है, नरेंद्र यादव जिसको मैं बोल रहा हूँ वो निकिता है, ओके मुझे लगा कोई बॉय है। सर हम यही है तो फिर मैसेज करो ना मुस्कान जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बताओ, नाइन्थ क्लास में संतोष सर पढ़ा रहे थे, नहीं नहीं हो गया शायद, नेक्स्ट बताइए। क्या पूछे, थोड़ा सा कठिन कठिन कठिन, क्या कम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इमीडिएटली बताइए, बहुत आसान है, इमीडिएटली क्लोजली, यहां क्लोजली तो कहीं नहीं लिखा है, एट वंस बहुत अच्छे अनुपाल, क्लोजली तो हमने नहीं लिखा है कहीं, सॉरी सर। चलिए अगला क्रू, क्रू बताइए, क्रू सर मेरे में वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, चलिए क्रू बताइए, क्रू काजल कुमारी, गुड़िया साहू अभी आप आए हो, ये सही है, रोज रोज बोलते हैं इसको, रोज तो ये हो गया, बहुत अच्छे। कितने बच्चे हम लोग के, टैपिंग टैपिंग रेजोल्यूशन, कहाँ गया, टैपिंग बताइए, अच्छा टैपिंग टैपिंग, वेडनेसडे टैपिंग, और स्ट्राइकिंग जेंटली,
और स्ट्रक चलिए चलिए डिटरमिनेशन का है बेटा कैपिटल का होगा ये स्ट्राइकिंग जेंटली ओके 11th 12th क्लास हो रही है। चलिए अब आगे जल्दी जल्दी क्या बचा हमारा एपिक्स। एपिक्स का क्या होगा एपिक्स का होगा स्ट्रक और रेगुलेशन का होगा डिटरमिनेशन। ठीक है ये होगा जल्दी जल्दी कर लीजिए। हाँ बेटा हो गया अभी मैं जा रहा हूँ क्लास 12 की टाइम हो गया कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छा लगा और ऐसे आप लोग पढ़ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर तो चलिए ठीक है अब हम लोग कल से ग्रामर करते हैं ठीक है और सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकते हैं आप। तो ये दो लेसन कम्प्लीट हो गए कल हम लोग ग्रामर करेंगे ओके। अगर बायो आ रहे होंगे तो बायो वाले सर आ रहे। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के मुझे आज बहुत अच्छा लगा सच पूछिए इतने दिन से करा रहा हूँ आज सबसे ज्यादा मजा आई। चलिए फिर ओके बाय बाय थैंक यू। बेटा इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे 17 बच्चे ध्यान देंगे सभी टेंथ के सभी बच्चे। अभी इसी चैनल पे मेरे ही चैनल पे सुधीर सर की क्लास होने जा रही है कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं जाएगा बेटा। सभी लोग सुधीर सर की क्लास होने जा रही है अभी आपकी कोई भी बच्चा यहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा ओके बेटा समझ आ रहा है। सुधीर सर की क्लास होने जा रही है अभी बायोलॉजी की क्लास होने जा रही है बेटा ओके बेटा ओके जल्दी से जुड़ेंगे।